हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। आई होप आप सभी की सीमेट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि थोड़ा हेल्थ इश्यूज के कारण कुछ वीडियोस हम लोग भोपाल से बाहर लखनऊ में बैठ के बना रहे हैं, तो हो सकता है साउंड का थोड़ा सा इश्यू आए। लेकिन आज जो हम लोग पेपर सॉल्व करने वाले हैं, इस पेपर के बारे में मुझे भी नहीं पता था। दरअसल ये सीमेट का 2019 का पेपर है, जो आप में से काफी लोगों ने नहीं देखा होगा, है ना। मेरी एक स्टूडेंट है स्तुति, उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया था। फिर जब मैंने सर्च किया तो पता चला कि ये जम्मू कश्मीर में पेपर हुआ था, है ना। उस समय जब नॉर्मल सीमेट था, उस समय वहाँ पे एग्जाम कंडक्ट नहीं हो पाया था, तो बाद में फिर वहाँ पे एग्जाम हुआ था। तो ये वो वाला पेपर है, तो ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। और मैं भी आपको स्क्रॉल करके पूरे क्वेश्चंस दिखा दूंगा, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चंस को मन से सॉल्व पहले कर लेना, ठीक है। तो इसमें मैं आपको अभी स्क्रॉल करके मैथ्स, LRDI, वर्बल, जी के सबके क्वेश्चन कर देता हूँ। अब जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, उसका सॉल्व करके सॉल्यूशन देख लेना। आज मैं आपको पूरी कंसोल करा दूंगा, ठीक है। तो देखिए, हेल्थ इश्यूज के कारण थोड़ा सा साउंड का इश्यू आ रहा होगा, लेकिन उसके बावजूद हम आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है, उससे हमें भी अच्छा लगेगा। और इस चैनल को ब्रांड बनाना आप ही की जिम्मेदारी है, ठीक है। जल्दी जल्दी क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लेते आइएगा, ठीक है। ये क्वांट का पूरा सेक्शन है, ठीक है। पहले क्वांट का ले लो, फिर मैं इसके आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बता देता हूँ, ठीक। ये क्वांट हो गया, LRDI के भी जल्दी जल्दी कर लीजिए, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेते आना, ठीक। ये LR चल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, 41, ये पेपर आप लोगों को हो सकता है कि ऑनलाइन ना मिला हो, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट लेके ये क्वेश्चन सॉल्व करते रहिएगा, ठीक है। वर्बल में ERC की कॉपी कर लीजिए, ठीक है। ये वर्बल के क्वेश्चन, RC अच्छे अच्छे हैं। वैसे सीमेंट के RC थोड़े इजी ही होते हैं, ठीक है। GK के देख लीजिए, है ना। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर दिया, आप लोग इसको पूरा अच्छे से सॉल्व करके आंसर भेजना हो तो कमेंट सेक्शन पे पूरे आंसर भेज सकते हो, ठीक है। कमेंट सेक्शन में देखते हैं कौन पूरे आंसर भेजता है, काफी मेहनत का काम ही है, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं हम लोग क्वांट, ठीक है। क्वांट के पूरे सॉल्यूशन में आपको आज ही बता दूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन से चालू करते हैं। देखो, 2019 के सीमेंट में, चाहे वो जम्मू कश्मीर वाला हो या नॉर्मल रेस्ट ऑफ द इंडिया जो पेपर हुआ था, एक या दो क्वेश्चन ऐसे आए थे क्वांट में जो छोड़ने के लिए ही थे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन इस बार भी अगर आ जाए, कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ द सिलेबस आ जाते हैं, मतलब जो क्वेश्चन आपने कैट, सेट, IFT किसी भी एग्जाम, इवन सीमेट में भी नहीं आते, ऐसा एक आध क्वेश्चन कई बार वो दे देते हैं, ठीक है। तो उनपे आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट इसे चालू करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ x³ - 19x + 30। देखो, सबसे अच्छा है ऑप्शन से कर लो इनको। तो x + 2 मतलब x की जगह हमें इसमें -2 पुट करना है। x - 1 फैक्टर का मतलब होता है x की जगह 1 पुट करना है। x + 1 का फैक्टर मतलब होता है x की जगह में -1 पुट करना है। और x - 2 का मतलब x की जगह 2 पुट करना है। देखो, 1 और -1 तो हो नहीं सकता, देख के ही समझ में आ रहा है ना। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब देखो, 2 या -2, -2 अगर लेता हूं, ठीक है, तो ये माइनस है और 30 - 8 हो जाएगा। 30 - 8 क्या होता है, 22, और ये चीज 22 हो नहीं पाएगी, तो -2 भी नहीं होगा। बचा क्या, 2। चलो 2 रख के देखते हैं। 2³ क्या हो गया, 8 माइनस 19, 2 = 38 + 30। 30 + 8 = 38 से 38 कैंसिल किया गया, 0। मतलब एक फैक्टर इसका क्या होगा, x - 2। सिंपल था। इसे एग्जाम में जल्दी जल्दी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2,
इफ एन बी द नंबर ऑफ डिफरेंट फाइव डिजिट नंबर डिविजिबल बाय फोर। जब फाइव डिजिट नंबर बोले तो सबसे पहले 1, 2, 3, 4 फाइव डिजिट ऐसे बना लो, डिविजिबल बाय फोर बोला तो देखना यूनिट प्लेस पे तो इवन नंबर ही होगा, अप टू अगर यूनिट प्लेस पे तो टेंथ प्लेस पे 1 हो सकता है, 3 हो सकता है और 5 हो सकता है ना। अब डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, लिखा है नो डिजिट बीइंग रिपीटेड। अब 2 के बाद क्या आता है 4, ठीक है तो 4 वाले देख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5। 4 अगर आया तो 44 ले नहीं सकता क्योंकि डिजिट रिपीट हो जाएंगे, फिर 64, बस यही दो ले सकता हूं 24 एंड 64। 4 के बाद इवन नंबर क्या आएगा 6, 6 में भी 1, 6, 3, 6 और 5, 6। टोटल केस कितने हो गए देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, मतलब 8 का मल्टीप्लाई मुझे करना है, ठीक है। अब देखो ये 3 स्पेस खाली है, आउट ऑफ 6 नंबर्स 2 नंबर्स हम लोग ले चुके हैं यूनिट और टेंथ प्लेस पे, बचे कितने 4, यहाँ पे कोई भी 4 आ सकते हैं, फिर बचे हुए 3 इधर, बचे हुए 2 इधर, 4, 3, 12, 24 वेस हो रहे, तो आंसर क्या आ जाएगा 8 × 24। सॉल्व कर लेते हैं 192 ऑप्शन थर्ड, क्लियर। अगला रूट ऑफ द इक्वेशन देखो, या तो क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लो या ऑप्शन से कर लो। अब x × x − 6 = 27 दिख रहा है, अब 9 थ्रीजा भी होता है मतलब x की एक वैल्यू 9 तो पक्का है, सभी ऑप्शन में है, ठीक है। अब देखो अगर मैं -3 ले लू तो 9 थ्रीजा वापस से हो जाएगा -3 और इधर क्या हो जाएगा -3 और -6 -9, -3 और -9 का मल्टीप्लीकेशन भी 27 हो जाएगा, तो 9 एंड -3 ऑप्शन थर्ड। ये देखो कितना आसान था ये भी, है ना, ऑप्शन से बहुत जल्दी जल्दी आप कर लोगे। अब टेबल दे दी है ना, द फॉलोइंग टेबल लिस्ट द मार्क्स ऑफ 7 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास अक्रॉस 6 सब्जेक्ट्स, कॉलम में दिए हुए, द नंबर इन द पैरेंथेसिस इंडिकेट द मैक्सिमम मार्क्स, ये मैक्सिमम मार्क्स दिए हुए, ठीक है ठीक है, बताना क्या सीधे वो क्वेश्चन पढ़ा करो। व्हाट इज द वेटेड एवरेज मार्क ऑफ चंदेश, चंदेश ये रहे, वेटेड एवरेज क्या होता है संदेश का, किसे निकाले कि 70 × 150, तो 15 × 7 = 105 होता है, आगे 2 जीरो लगा दो, ठीक है कैलकुलेटिव क्वेश्चन है तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 105 00, फिर हिंदी में 120 × 75 हो जाएगा, तो 120 × 75 अगर कैलकुलेटर देखो नहीं रहेगा तो हाथ से करना पड़ेगा, ठीक है, फिर 65 × 100, चलो ये सब तो आसान हो गए, 6500, देन 8500, देन 40 × 100 4000, देन 61 × 100 6100, सॉल्व कर लो। फोर फोर सिक्स डबल जीरो, कैलकुलेशन आप चेक कर लेना अगर मुझसे कुछ गलती हुई। डिवाइड में क्या होता है टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, मतलब 150 + 120 = 270 और इधर 1, 2, 3, 4, 400 670, सॉल्व कर लेते हैं 670 आ रहा है, ठीक है मेहनत लगेगी सॉल्व करने में, है ना, तो 4460 / 67, ठीक है 11 से करके देखते हैं, है ना 11 6 66 होता है, 67 को 66 मान के एक सेकेंड, आएगा है ना। अब अपन ने नीचे 67 की जगह 66 ले लिया था, है ना, तो डिनोमिनेटर छोटा ले लिया था, है ना, मतलब आंसर इसके आसपास रहेगा, ऑप्शन सी लगा दो 66.57, है ना, वैल्यू थोड़ी छोटी हो जाएगी, डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो वैल्यू थोड़ी छोटी हो जाएगी, तो इसे अंदाजे से आप आंसर लगा सकते हो,
अगला क्वेश्चन नंबर 5। आउट ऑफ द टोटल अमाउंट 4898, ठीक है, बी रिसीव 20% मोर देन ए, यानी ए में 20% इंक्रीज कर देंगे, 1 + 1/5 6/5 ये मिला होगा बी को, एंड 25% मोर देन सी। यहां से ए और बी का रेशियो लिख लो 5:6, और सी में 25% इंक्रीज कर दो 1 + 1/4 5/4, ये भी इक्वल टू बी। यहां से बी और सी का रेशियो लिख लो 5:4, यानी ए बी सी का रेशियो क्या हो गया 25:30:24। बी का शेयर पूछा, मतलब 30 अपॉन बी 30 था, अपॉन इन तीनों का टोटल 79, कितने में से 4898 में से। कैसा कैलकुलेटिव पेपर था, है ना? देखो 6 टाइम्स में 42 की लाइन आ जाएगी, और 9 में काय का मल्टीप्लाई करूं कि 8 आ जाए, 9 2 18, 62 से मल्टीप्लाई करते हैं 79 को, कर रहा हूं। इसको फिर से करते हैं ना, 158 इधर आ गया, फोर एट नाइन एट आ गया, 62 टाइम्स ही जाएगा, है ना? अब सॉल्व कर लेंगे 1860 ऑप्शन ए, ठीक है 1860 फिफ्थ का आंसर क्या जाएगा ऑप्शन ए। अगला देख लेते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। देखो ये सब फॉर्मूले मैंने अपने कोर्स में बताए हुए हैं, ठीक है, और हाँ कोर्स से याद आया, अगर अभी भी आपको सीमेंट 300 परचेस करना हो कर सकते हो, और हमारे वीडियो कोर्स की भी आप लोग डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी हुई है, चेक कर सकते हो, ठीक है। माय वीडियो कोर्स में आपको काफी सारे शॉर्टकट फॉर्मूले मिल जाएंगे, जैसा कि सिक्स्थ क्वेश्चन में आपको दिख जाएगा। कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट का जो एंड ऑफ 3 इयर्स है, इसका मैंने फॉर्मूला बताया डिफरेंस का, ये होता है पी इंटू आर बाय 100 स्क्वायर, ये नहीं पता तो लिख लेना, 3 इयर्स में डिफरेंस ही होता है 3 + r/100, ठीक है। अब ये दिया हुआ 77.5 इज इक्वल टू, पी हमें बताना है, आर कितना है 10%, यानी आर बाय 100 1/10 आ जाएगा, 1/10 का स्क्वायर 1/100, 3 + 1/10 31/10, ठीक सॉल्व कर लेते हैं, तो 77500 इज इक्वल टू 31 × p, ठीक है। अब 25 3 = 75 होता है ना, तो 31 × 25 ही होना चाहिए, 25 टाइम जाएगा और आगे 2 0, ऑप्शन बी, ये आंसर आएगा 2500। तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या आ गया 2500, आसान था ये। अगला सेवंथ, कौन सा नंबर इसमें ऐड करें कि 77 से डिवाइड हो, 77 का मतलब 11 और 7 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो देखो नंबर कुछ भी ऐड करेंगे ग्रेटर देन अगर 2 रहा, जैसे ऑप्शन से देखें तो 111 6, और यहाँ पे समथिंग कुछ एक्स आएगा, है ना। अब 11 से डिवाइड के लिए देखो क्या होना चाहिए, ये 6 + 1 7 है, तो ये x + 1 + 1, यानी x + 2 की वैल्यू भी 7 हो जाए, ताकि 11 से डिवाइड हो जाए, यानी x की वैल्यू क्या होगी 5, तो यहाँ पे मैं 5 लिख देता हूँ, तो 111 6 5, अब 5 8 से 6 5 हो गया, यानी 7 इंक्रीज किया है, ऑप्शन सी लगा दो 7, है ना। अब अगर आपकी इच्छा हो रही है तो 11 और 7 से डिवाइड करके देख लो, हो ही जाएगा, तो नंबर क्या हो जाएगा 11165, ऐसे किया जाता है जल्दी से जल्दी, ठीक है। अगला, शेयर प्राइस ऑफ स्क्रिप्ट इज 60 रुपीज 31 अक्टूबर 2017 को है, और 1 नवंबर 2018 को, यानी 1 साल बाद इंक्रीज टू 125, यानी 60 से 125 हो गया, प्रॉफिट कितने का हो गया किसी को भी 65 का, ठीक है। 30% डिविडेंड ड्यूरिंग द पीरियड, है ना, कंपनी 30% डिविडेंड दे रही, फेस वैल्यू क्या है 10,
अच्छा डिविडेंड फेस वैल्यू पे ही मिलेगा, तो 10 का 30% क्या हो जाएगा, 3। मतलब किसी को भी अगर बेचेगा तो 65 + 3 68 रुपीज का प्रॉफिट होगा। एज्यूमिंग टेक द शेयर बॉट 31 अक्टूबर को लिए और 1 नवंबर वो 1 साल बाद भेज दी, तो आरओआई क्या था, यहाँ 68 मिल गया उसको, है ना। कितने लगाए थे, 60 × 100। सॉल्व कर लेते हैं, है ना, 3340/3। सॉल्व कर लो, 113/0.33, 113.33, ऑप्शन डी। आसान था। अब देखो ये कुछ ओरल क्वेश्चन भी रहते हैं, अगर बोल रहा है ए इज लेस देन बी है ना, तो इनमें से कौन सा नंबर ए से बड़ा और बी से छोटा होगा। देखो अगर हमने बेसिक हमारे अच्छे हैं, जो मैं बार बार बोलता हूँ कि हमारे वीडियो कोर्स में आपके बेसिक भी कवर होंगे, तो आपको इन ऑप्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो अगर हम एवरेज लेंगे दोनों नंबर का, एवरेज का मतलब ही होता है कि जो दो नंबर है तो एवरेज क्या होगा, एक नंबर से बड़ा और दूसरे से छोटा होगा। तो ए ऑप्शन में देखो एवरेज ही है ना, a+b/2, मतलब आंसर ए ही होगा। आपको बी सी डी चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्लियर। ये होते हैं कुछ कॉमन ट्रिक्स से आप क्वेश्चन जो कर सकते हो। अगला 10th क्वेश्चन, अ शॉपकीपर गिव्स टू सक्सेसिव डिस्काउंट 10% और 20% का। अच्छा ए बी वाला अगर फॉर्मूला आपको पता हो, +a + -b + -ab/100, तो सक्सेसिव डिस्काउंट में ही लगा सकते हैं, तो -10 -20, माइनस और माइनस प्लस, 200/100 यानी 2, मतलब -28। तो एक अगर क्वेश्चन होता कि 10% और 20% का डिस्काउंट इक्वेलेंट टू कितने परसेंट डिस्काउंट के, तो आंसर क्या होगा, 28% डिस्काउंट के, ठीक है। तो 5000 में पहले आपने 28% का डिस्काउंट दे दिया, मतलब 5000 का आप 72% ले लो। इसमें और डिस्काउंट दिया, यू हैड टू गिव फर्दर डिस्काउंट इक्वल टू 20% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस का 20% c/5 वो डिस्काउंट दे दिया। तो क्या हुआ, न्यू जो सेलिंग प्राइस है नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस, यानी कॉस्ट प्राइस के बराबर ही आ जाएगा। जब एसपी और सीपी इक्वल होते हैं तभी नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। इसको सॉल्व कर लो, c + c/5, 6c/5 इज इक्वल टू 72 × 50, कैंसिल कर लो, कॉस्ट प्राइस ही ने 3000, ऑप्शन ए। इजी था, कॉस्ट प्राइस ही पूछी, कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, 3000 रुपीज। अगला 11th क्वेश्चन, मशीन ए प्रोड्यूस बोर्ड्स एट अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ 120 एवरी 40 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में मशीन ए कितना प्रोड्यूस करेगी, 3 बोर्ड्स/सेकेंड। मशीन बी प्रोड्यूस बोर्ड्स एट अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ 100 एवरी 20 सेकेंड, बी का पर सेकंड क्या हो जाएगा, 100/20 5 बोल्ट्स/सेकंड। इफ टू मशीन्स रन साइमल्टेनियसली हाउ मेनी सेकंड्स विल इट टेक फॉर देम टू प्रोड्यूस अ टोटल 200 बोल्ट्स, तो 1 सेकंड में दोनों मिला के कितना करेंगे, 8 बोल्ट्स, तो 200/8 कर दूंगा तो सेकंड्स पता चल जाएंगे, 25 सेकंड्स, 25 सेकंड्स में 200 बोल्ट प्रोड्यूस हो जाएंगे दोनों मिलकर, 25 मीन्स ऑप्शन बी। इजी था। अगला डीआई का क्वेश्चन, ये कैंडिडेट एनरोल है पहले पाई चार्ट में, पास है दूसरे पाई चार्ट में, व्हाट परसेंट ऑफ कैंडिडेट पास एग्जाम फ्रॉम बी आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ एनरोल्ड, एनरोल्ड बी में कितना क्या है, 8000 का 15%, ने एनरोल किया है, इसमें से पास कितने हुए, 5500 का 17%, यानी 55 × 17 कर देता हूं, अपॉन एनरोल कितने हुए थे, 1200 का 12 लिख दो परसेंटेज निकालने के लिए, ठीक है सॉल्व कर लो, 77 point something आएगा, ऑप्शन सी में दिख रहा है, लगा दो, पूरा सॉल्व करने की कोई भी जरूरत नहीं है। 13th क्वेश्चन, एन की वैल्यू बतानी, NP5 = 42 NP3, आपको NPR पता होना चाहिए इसके लिए। NPR क्या होता है, फैक्टोरियल n / फैक्टोरियल n - r, है ना, तो
NP5 क्या होगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 5 इज इक्वल टू 42 इंटू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 3। फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल, n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 42 इंटू n माइनस 5 फैक्टोरियल। अच्छा n माइनस 3 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकता हूँ, n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 इंटू एन माइनस 5 फैक्टोरियल, इधर भी एन माइनस 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कैसे 42। अब देखो दो कंसेक्यूटिव नंबर है और 42 भी दो कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता है, 7 6 42। ऐसे थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाया करो ताकि क्वेश्चन जल्दी हो जाए। तो 7 अगर इसको लाना है तो n को 10 ले लू, तो n जब 10 होगा तो देखना 10 माइनस 3 7, 10 माइनस 4 6, 7 6 42 आ जाएगा, n की वैल्यू क्या होगी 10, ऑप्शन ए है ना, आसानी से कर लिया। अगला 14th क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज अ कमिटी 6 मेंबर्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 8 मैन 6 लेडीज कंसिस्टिंग 4 मैन, इन्हें 8 में से हमको 4 मैन चाहिए 8c4 और 6 लेडीज में से हमें 2 लेडीज चाहिए 6c2। सॉल्व कर लो, 8c4 क्या होगा 8 7 6 5, 4 से 4 कैंसिल अपॉन नीचे फैक्टोरियल 4 इन 4 3 2 1। 6c2 क्या होता है 6 × 5/2, 4 2 8 c8 कैंसिल, 3 2 6 से ये 6 कैंसिल, अब क्या आ गया 35 × 30, 35 3 108 होता है, आगे से 0 लगा दो 1080 35 3 105 होता है 1050, ऑप्शन ए, ये भी इजी था। अगला डायगोनल एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है, डायगोनल इसका दिया हुआ है 7.5 है ना, एक साइड छोटी साइड दी 4.5, अगर रेशियो देखूं का, चलो अभी रेशियो से नहीं करते, फाइव टू थ्री का है, मतलब ये 4 होनी चाहिए, 3 4 5 का होता है, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 15 4 60 6.0 आ जाएगा है ना, या तो पाइथागोरस लगाओ या ऐसे ओरल कर लो, मतलब एक साइड आ गई 4.5 की, एक आ गई 6 की, एरिया क्या हो जाएगा 4.5 × 6 है ना 27, कितना आसान था, ऑप्शन बी, ऐसे तुरंत तुरंत क्या करो। द स्टूडेंट्स इन द क्लास आर इन द रेशियो 2 3 5, देखो 2 3 5 तीन क्लास में है, मतलब 10 के मल्टीपल में होंगे, अब 20 हर क्लास में ऐड कर दिए है ना, मतलब टोटल स्टूडेंट 60 ऐड कर दिए तो 4 5 7 हो गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बिफोर, अच्छा टोटल 60 हो गया, इन तीनों का समीशन क्या है 16, तो देखो हर ऑप्शन में 60 ऐड करो, ये सबसे आसान तरीका था, करो बाद में क्रॉस चेक भी करा दूंगा, क्या आएगा 70 150 160 170, 16 से कौन डिवाइड होगा क्योंकि 4 5 7 का एडिशन क्या होगा 16, एक ही हो रहा है सी, ये नहीं आंसर होगा। अब चलो चेक भी करा देता हूँ, 2 3 5 का रेशियो, पहले 100 स्टूडेंट्स थे, आंसर तो ये भी है 100 को 2 3 5 में डिवाइड करो तो क्या आएगा 20 30 और 50, अब 20 20 सब में ऐड कर देता हूँ, 20 + 20 40, 30 + 20 50, 50 + 20 70, देखो रेशियो 4 5 7 आ गया, यही दिया था, तो क्रॉस चेक भी करके बता दिया कितने आप ओरल इस क्वेश्चन को कर सकते थे, ठीक है। अगला ये मेरे कोर्स में सेम क्वेश्चन है, जिन लोगों ने मेरा कोर्स अच्छे से किया हुआ है ना, वीडियो कोर्स में है, 300 वाले नहीं, ये क्वेश्चन वो लोग जानते होंगे। टोटल मान लो एक्स स्टूडेंट्स हैं, हर रो में 3 फिगर है, मतलब फिर x-3 होंगे, अगले में x-6 होंगे, और 4 रो होंगी तो x-9 होंगे एंड सो ऑन। अब देखो नंबर ऑफ रोज बोलना क्या पॉसिबल नहीं, तो पहले 3 रो लेते हैं, मतलब शुरू के 3 का एडिशन 3x-6-3-9 इज इक्वल टू, तो 630 होगा क्योंकि टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन तो 630 है, तो 3x इज इक्वल टू 639 आएगा जो कि 3 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू पॉसिबल है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, तो ये तो पॉसिबल है। अब 4 वैल्यू ले लेते हैं, तो देखना इधर क्या आ गया था 3x इज इक्वल टू 639, इसी में 9 और ऐड कर देता हूँ और 4 बार x हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4x इज इक्वल टू, इसी में 9 और ऐड कर दो 648,
648 फोर से डिवाइड हो जाएगा, मतलब चार रो भी पॉसिबल है। पांच भी लेके बताता हूँ भले ही ऑप्शन में नहीं। अगला x माइनस 12 होता, तो अगला अगर एक और रो लेते तो 5x इज इक्वल टू इसी में प्लस 12 और हो जाता, 6 से 60 हो जाता। देखो 665 से डिवाइड होगा, मतलब 5 रोज भी पॉसिबल है। अगला 12 के बाद किसकी बारी आती, 15, यानी 6x इज इक्वल टू क्या हो जाता, 675। देखो ऑड नंबर है, 6 इवन है, पॉसिबल ही नहीं डिवाइड हो जाए, मतलब 6 रो पॉसिबल नहीं है। 7 भी ऑप्शन में, वो भी चेक करा लेता हूँ। अगला क्या होगा, 7x, इसमें 18 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 693। देखते हैं 7 से डिवाइड हो रहा है क्या, ये हो रहा है, मतलब 7 रोज भी पॉसिबल है। तो कौन सी रो पॉसिबल नहीं थी, 6, ऑप्शन सी। मेरे वीडियो कोर्स में जो क्वेश्चन था उसमें जो ऑप्शन थे 3, 4, 5, 6 थे आई थिंक, है ना, 7 नहीं था। तो इस बार मैंने आपको 7 भी चेक करके बता दिया, ठीक है। अगला देखो, एग्जैक्ट नहीं आता लेकिन सिमिलर आ जाते हैं, बस एक ही ऑप्शन चेंज था। रेक्टेंगुलर पेपर है, विथ है, रोल किया उसको विथ के अलॉन्ग, ठीक है। तो ये रेक्टेंगुलर पेपर है, इसके अलॉन्ग रोल किया ना, ये विथ के अलॉन्ग, तो सीधी बात एक सिलेंडर बन जाएगा ऐसा। जो विथ रहेगी वो तो सिलेंडर की हाइट ही रहेगी, है ना, विथ कितनी 28, वॉल्यूम दे दिया, वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच क्या है 28 इज इक्वल टू 14872। सॉल्व कर लेते हैं, 8 से कैंसिल करते हैं, 11 टू जा 4 टू जा 8, 8 से इसको डिवाइड कर दो, आएगा 11 से डिवाइड कर दो, हैदराबाद पहुंचती है 12 नून पे, मतलब कितना टाइम लगाया, टाइम टेकन बाय ए 7 आवर्स, टाइम टेकन बाय बी अनदर बस बी मान लेते हैं, हैदराबाद से 8 AM पे निकलती बैंगलोर 3 PM, ये भी 7 आवर्स लगा रहे हैं, मतलब दोनों की स्पीड सेम होगी, मतलब दोनों सेम टाइम पे सेम ट्रेवल करेंगी। तो मैं मान लेता हूँ, देखना डायग्राम के थ्रू समझा लेता हूँ, वैसे ही ओरल क्वेश्चन हो जाता। बैंगलोर से हैदराबाद मान लेते हैं 7 किलोमीटर है, मानने में क्या जा रहा है, पर आर हर बस 1 किलोमीटर पर आर की स्पीड है ना, 1 घंटे में 1 ही किलोमीटर चलती, ठीक। देखो पहली बस छूटी 5 बजे, 8 AM तक देखो काम से पहुंच गई थी, 3 किलोमीटर कवर कर लिया हो, है ना, जो बस यहाँ से 5 AM पे निकली, 8 AM पे वो यहाँ पे होगी। अब 8 AM पे एक बस यहाँ से भी निकल रही है, 8 AM पे दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी बची, 4 किलोमीटर, है ना, जब भी मिलेंगे मिड पॉइंट पे मिलेंगे क्योंकि दोनों की स्पीड सेम, मतलब 2 किलोमीटर चलेंगे, 2 किलोमीटर चलने में 2 आवर्स लगेगा, है ना, तो 2 आवर्स के बाद ये लोग मिलेंगे, कब से, 8 AM के बाद, मतलब 10 AM पे मिलेंगे। ये क्वेश्चन आप लोग एज्यूम करके ओरल भी कर सकते हैं, ठीक है, कितना आसान था ये। अगला क्वेश्चन नंबर 20, इन सुपनास ओपिनियन हर वेट ग्रेटर देन 65 बट लेस देन 72, मतलब इसका वेट क्या हो सकता है, 66, 67, 68, सबसे आसान तरीके से बता दो 69, 71, 70, 71, ठीक। हर ब्रदर डज नॉट एग्री विद स्वप्ना एंड ही थिंक्स हर वेट इज ग्रेटर देन 60, जो कॉमन है वही देखेंगे, बट लेस देन 70, लेस देन 70 मतलब ये दोनों है उसके ब्रदर के हिसाब से, तो दोनों में कॉमन क्या है ये। इन हर मदर्स व्यू हर वेट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 68, उनकी मदर के हिसाब से 68 से ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब 69 भी है। If all of them correct, सबको करेक्ट ही मान के हमने किया, what is the average of different probable weights of Swapna? 66, 7, 8 में है, average क्या होगा? Middle number 67, है ना? Continuation में तो middle number average है, option A। अगला, देखो ये एक अलग क्वेश्चन आ गया, और इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जाम में है तुरंत छोड़ देने चाहिए, ठीक है। हाँ, आप में से किसी ने IIT की प्रिपरेशन की हो तो वो इसका आंसर जरूर बताना डिटेल सॉल्यूशन के साथ,
है ना, बाकी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। सुरेश इन्वेस्ट, देखो सबसे सिंपल है, 2 लाख रुपए लगाए, 10% सेमी एनुअल हो रहा है, मतलब 1+5/100, 3 ईयर्स है, 3 का 6 हो जाएगा, पावर 6। सॉल्व कर लेना, आंसर आएगा बी। इसको पास्कल ट्रायंगल के थ्रू भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ये भी मैंने अपने वीडियो कोर्स में डिटेल में समझाया, अभी काफी टाइम लग जाएगा है ना, अगर कैलकुलेटर हो तो, नहीं तो आप उसको हाथ से सॉल्व करो। बाकी जो मैंने पास्कल ट्रायंगल के थ्रू समझाया, जिनको वो आता है वो उससे करके देखना, जल्दी कर लो। ठीक है, अब ट्रेपेजियम का एरिया हमें पता होना चाहिए, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, हाइट दी हुई है 16 है ना, पैरेलल साइड की ये 16, वन ऑफ पैरेलल साइड 22, दूसरी निकालनी है ना x1, ये एरिया हो गया जो कि क्या दिया हुआ 368, 8 से कैंसिल करो, 46 - 22 कितना आ जाएगा, 24, ऑप्शन बी, 23rd का ऑप्शन बी। अच्छा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ध्यान से देखना, सबसे आसान है ये, दिखने में कैसा भी लगे, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 है ना। अच्छा, ए प्लस बी ए माइनस बी देखो अगर, या उसकी भी जरूरत नहीं, अब देखो अगर रूट 2 से बड़ी वैल्यू होगी प्लस में तो ये इंक्रीजिंग ही रहेगा, और माइनस रूट 2 से छोटी में भी इंक्रीजिंग ही रहेगा, माइनस रूट 2 से रूट 2 के बीच में कुछ चेंजेस आएंगे और जीरो पे तो जीरो होगा, ग्राफ से समझना है। अब ऑप्शन देखो, रिमेनिंग कांस्टेंट 1 से इंफिनिटी इधर लिखा हुआ, इधर भी, ये सब तो पॉसिबल ही नहीं, आप ये सिर्फ काट सकते थे है ना, कांस्टेंट तो रहेगा ही नहीं। अगर इंक्रीजिंग माइनस इंफिनिटी से माइनस 1, डिक्रीजिंग तो होगा ही नहीं माइनस इंफिनिटी से माइनस 1, वहां भी इंक्रीजिंग फंक्शन ही रहेगा, बता देता हूँ ग्राफ अगर बात करें, ये थोड़ा सा माइनस रूट 2 ले लो, रूट टू के ऊपर ऐसा ऐसे ऐसे वैल्यू बढ़ता है, ये भी ऐसा रहेगा, इस पे जीरो होगा, यहाँ ऐसा टाइप से कुछ बनेगा है ना, इस टाइप से कुछ रहेगा। अब देखो माइनस इंफिनिटी से जब माइनस 1 आओगे तो थोड़ा डिक्रीज होते आएगा, ठीक है, माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 ऐसे आएंगे, वैल्यू कम होते आएगी, फिर इधर 1 से इंफिनिटी में बढ़ते जाएगी, ठीक है। अब इंक्रीजिंग इधर लिखा है तो ये तो होगा नहीं, तो ये भी क्या ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 और 0 से 1 में, ठीक है, एंड इंक्रीजिंग एट माइनस 1 से 0 एंड 1 से इंफिनिटी, ठीक है। ये यहाँ पे भी देखो माइनस 1 से 0 करीबन इंक्रीज होगा, इधर ये डिक्रीज होगा, ठीक समझ में आ गया होगा, 0 से 1 इधर ये डिक्रीजिंग हो रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, रफली डायग्राम बनाया है, आपको एग्जैक्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 25, थोड़ा सा घुमा के दिया है, बेसिक क्वेश्चन है, प्रोग्रामर 1 को अपन ए बोल देंगे, 2 को बी और सी, 3 को सी, तो ए प्लस बी, ए और बी काम कर रहे हैं 18 डेज में, ए और सी कर रहे हैं 12 डेज में, बी सी कर रहे हैं 9 डेज में, ठीक, टोटल वर्क आप ले लो एल से 36 यूनिट्स है ना। तो अब देखो ए और बी एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, ए प्लस बी की बात करें 18 × 2 = 36, ऐसे ए प्लस सी एक दिन में कितना काम करेंगे 12 × 3 = 36, बी और सी एक दिन में कितना काम करेंगे 9 × 4 = 36, तीनों मिला के एक दिन में कितना काम करेंगे 9/2 यानी 4.5 यूनिट, एक दिन में टोटल वर्क कितना होगा 4.5, किसका निकालना है, प्रोग्रामर 2 यानी बी की बात कर रहे हैं, यानी AC माइनस कर दो, तो बी इज इक्वल टू AC के लिए क्या 3 माइनस कर दो 4.5, बी एक दिन में 1.5 यूनिट कर रहेगा है ना, तो पूरा टास्क करने में कितना टाइम लगेगा 36/1.5, 1.5 मींस 3/2, 24 डेज, तो 24 डेज में बी पूरा काम कर डालेगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये पूरा आपको क्वांट का सेक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है।
इनकेस टाइम मिलता है या आप लोग कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना, तो हम LRTI का भी बनाने की कोशिश करेंगे, LRK सेक्शन का भी सॉल्यूशन। ठीक है, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।